A light body and a heavy body have the same momentum. Which one will have greater kinetic energy? देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है. मोमेंटम देखिए 2mk, वह k इज द काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है. अब हम कह रहे हैं कि लाइट बॉडी हैवी बॉडी, सो लेट लाइट बॉडी हैव मास m1 एंड हैवी बॉडी हैव मास m2. तो हम लाइट बॉडी के लिए p1 लिख लें, 2m1 k1, तो लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k1 हो जाएगी, और p2 2m2 k2. अब वो कह रहे हैं अगर मोमेंटम सेम है तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बराबर कर दो, मोमेंटम सेम होगा तो रेशियो कर दो, 2m1 k1 स्क्वायर रूट अपॉन रूट 2m2 k2 इक्वल्स टू 1, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर कर दोगे 1 का कुछ नहीं होगा, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो m1 by m2 इज इक्वल्स टू k2 by k1, ये आ गया भाई. अब ये हमने m1 को लाइट बॉडी माना था ना, m2 को हैवी बॉडी माना था, तो लाइट अपॉन हैवी क्या होगा, लेस देन 1, तो आंसर आ गया k2 less than k1, यानी कि जो हैवी बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जो लाइट बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये निकल के इसमें रिलेशन आया है.